अच्छी दौरान लिखी थी अलामा इकबाल के हवाले से, और उस वक्त ईरान इराक जंग बड़े जोर शोर से जारी थी। मैं समझता हूँ कि आज भी उसी तरह के हालात है, तो मैं इसको दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ऐ शायर मशरिक तेरी गुफ्तार के दम से, ऐ शायर मशरिक तेरी गुफ्तार के दम से खुशबू हिजाज आती है गुलजार अजम से। तारीफ के अल्फाज में तू कैद नहीं है, जिस तरह कहीं फूल की बू कैद नहीं है। था इश्क़े पैगंबर का कहर तेरा मुकद्दर, हर बात में नुदरत का असर तेरा मुकद्दर। तुझको थी मनासिब की न शोहरत की तमन्ना, बस सौ की बेलौस क़यादत की तमन्ना। वही जवाब है
वही जवान है कबीले की आंख का तारा, वही जवान है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदा, शबाब जिसका है बेदा, जर है काबिल। ये थे प्रिंसिपल मणिका मिसाल को हमें शुभाए उर्दू के सदर उस्तादे मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद साहब बाजवा साहब से मुल्तमस हूँ, गुजारिश हैं और इकबाल के हवाले से इजहार आदर है। प्रोफेसर जावेद अख्तर बिल्ला साहब, मेहमान खास डी सी ओ सियालकोट जनाब नदीम सरवर साहब, कमिश्नर गोजरांवाला डिवीजन, लोगों की जुबान पर और हमारी जुबान पर सबूत है मेरे कॉलेज जनाब ख्वाजा शमाल साहेब, आसिफ साहेब, सबको इकबाल की मादरेवी में खुश आमदीद कहता हूं। जहां तक इकबाल का ताल्लुक है, हमें फख्र है, फख्र है और खासतौर पर मुझे इस बात का भी फख्र है कि मैं इत्तेफाकन कह लीजिएगा, मुझे तशरीफ बैठने का मौका मैसर आया है जो शमसुल उलमा की सैयद मीर हसन की कुर्सी है। अजीज दोस्तों तालिबात, जो कौमें अपने मशाहीर के दिन मनाती हैं, उनको याद करती हैं, उनसे मंजिल का पता पूछती हैं, वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं और मैं आज भी थिंकर फॉर का बहुत ज़्यादा मशकूर ममनू हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका जो है फराहम किया है कि इकबाल के नाम से आज बज़्म सजाई गई है। और यूँ समझ लीजिए कि ऐसी बज़्म एक दस्तक है उनके जहनों पर जिनको आदत है भूल जाने की। जहां तक इकबाल की शख्सियत का सवाल है, इकबाल मुफक्किर इस्लाम है, शायर मशरिक है, हकीम उल उम्मत है, ना जाने बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ है। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं जब उन्होंने खुद फरमाया है, तमस्कुर कुछ इसमें नहीं वल्ला नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं। उस वक्त बड़े शरीर की जमीन पर नमूदार होते हैं जब सूरत हाल इंतहाई तकरीबन थी, एक तरफ सर सैयद और उनके रफाका एकार पैरवी रेस में इस हद तक आगे निकल चुके थे कि रूह नाम की कोई चीज नहीं थी, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो कदामत परस्ती की उस इंतहा को पहुंच चुके थे कि हर नई चीज से नफरत करते जा रहे थे। फिर सूफी अकराम जो नफी खुदी को सब कुछ समझ बैठे थे और अपनी जात को जम करना या उसका इंतजाम करना या उसका अख्ताम करना ये सबसे बड़ी मेराज समझ बैठे थे, इकबाल ने आकर बताया कि मेरे कदू को गनीमत समझ के बाद आए ना, ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में है। एक
बाद में मशरिक और मगरिब के बेहतरीन इत्तेजाज के साथ हमें ऐसा नजरिया दिया जिसको नजरिया है खुद ही ज्यादा बार नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जरा खाजा साहब का बहुत ज्यादा मशहूर और ममनून हूँ। पता चला था कि वो एक रात आए थे और रात के बारे में तो सैफ ने कहा था ना कि आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, और आज की रात बड़ी देर के बाद आए हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आज के दिन वो आए हैं बड़ी देर के बाद और आज का दिन बड़ी देर के बाद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो बड़े शरीर में मैं फर्स्ट टाइम प्रिंट करा रहा हूँ, मेरा ये मेरा सावन है। तो अगर पहले मैं बोल जाऊंगा तो जो कमल सावन करते हैं मेरे कॉलेज का बड़ा साफ हो गया, क्योंकि मेरे कॉलेज में कभी नहीं पड़े। ठीक है, इससे पहले कि मैं माइक अपने दोस्त बाबू फकीर कानूनदान फकीर साहब से शुरू करूं, एक शेर पेश करके आपसे जाना चाहूंगा। हजरत इकबाल ने फरमाया था, मेरा तली अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी ये नाम पैदा कर। जैसा फिर मैं पास टाइम से बना है तो बाद दोस्तों के शुरू में करनी पड़ेगी। अगर मुझे पहले मेहरबानी है तो फिर मुझे चले आप मेरे पत्र खुशी रखें मेहमानी चाहिए आप मेहरबानी रखें तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं मैंने कह रहे आप ब्रेन में कुछ मौजूद मिल गया अच्छा आप भी बैठे हैं खुद आपको अल्लाह मोहतरम इंसानी काबिल एहतराम प्रोफेसर जवेद बिल्ला साहब, सबसे पहले मैं आपका ममनून हूँ। आज से 40 साल बाद आपने तलबा की उस कहकशां को मरे कॉलेज के उस्मान पर दिन के वक्त उतार दिया है जबकि रात को सारे से मिल सके। मेरी बात ख्वाजा शुमायत से मियां मोहम्मद आसिफ से 70 से 80 ये वो अशरा है जिसपे हम इकट्ठे बड़े भारत की फलाओं में ताकि थे। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो मुझसे जूनियर है या मैं उनसे सीनियर हूँ या दोनों अल्फाज का एक ही मतलब है, लेकिन हमारा कदम जिस तरह था कि जिस तरह आज यहाँ बच्चे इनके आपस में एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत से दिलों के साथ मिलकर दिल धड़कते हैं, इसी तरह हमारे ख्वाजा शुमायत के साथ मियाँ आसिफ के साथ एक दिल थी, लेकिन मुख्य सीनों में वो एक ही दिल धड़कता हुआ महसूस करता है। हजरात मोहतरम 40 साल बाद की मैंने कहा कि आपने देखा है कि यहां कुछ नहीं बदला, यहां कुछ नहीं बदला। आज की वही जोश, आज की वही जज्बा, आज की वही बलबला, आज की वही तनतना, आज की वही मुखातिब जज्बात, आज की वही सुबह का उजाला, आज की
सब मेरे इन अल्फाज की तय करेंगे कि जिस हस्ती के नाम से के हाल मजूब है मौलवी मियां साहब, एक चीज इत्थाई दुखे हुए दिल से कहना चाहता हूं कि मौलवी मियां वो शख्सियत थी कि जब शमसुल उलमा के खिताब की बात चली तो कर्नल पंजाब ने कहा कि इस दफा पंजाब की बारी है, इकबाल से क्या आप कोई नाम तजवीज करें। तो इकबाल ने अपने उस्ताद गिरामी मौलवी सैयद मीर हसन का नाम तजवीज किया। जब गवर्नर ने पूछा कि सैयद मीर हसन की कोई तस्वीर, कोई तारीफ, कोई किताब, तो इकबाल ने कहा उन्होंने कोई किताब तो नहीं लिखी लेकिन मैं जिंदा तस्वीर उनकी मौलवी मीर हसन की आपके सामने। लेकिन दुखे हुए दिल से मैंने ये बात करनी थी कि उस्ताद मोहतरम मीर हसन का नाम आपने शेर के सामने लिखवाया, आंखों को ये रोशन कर रहा है लेकिन हमारे कदम उस काम सोचे हैं। मेरे लिए ये लम्हा ऐसे शब्द है जितनी देर में यहां खड़ा होगा मैं समझता हूं कि मैं वायस की शर्मिंदगी और निराशा महसूस कर रहा हूं। मैंने अमीर साहब मैंने ये नाम नहीं क्यों उतरवाया था जी किसी की नहीं करता अमीर साहब, ये नाम यहां से उतरवाकर मेरे चेहरे पर लिखते इस पेशानी के लिखते के नाम से साफ पेशानी पर लिख दिया जाएगा तो मैं एक बात तो नहीं लेकिन खाके पाई की बात जरूर बांटी खाके बात होना भी बात के साथ की निस्बत है। दूसरी बात प्रोफेसर साहब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ये अखलाकी यकीनन फरीदा था कि आप कमिश्नर साहब का इस्तकबाल करते आप मियां आसिफ साहब का इस्तकबाल करते लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं और मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं आपका मुकाम मेरे उन दोस्तों की नजर में भी उनसे भी ऊंचा है और मुझसे भी कहीं ऊंचा है क्योंकि ये उस्ताद का मुकाम है। ये प्रेस्टर जुबेर की बात नहीं है, राकेश साहब और साहब ये उस्ताद का मुकाम है और मैं आवाज यहां से करना चाहता हूं कि हमने तीन चार गुलदस्ते जो यहां लाए हैं वो मेहमान कि जिस तरह आप तारे बिल आप मेरे जानशीन हैं कि मैं 40 साल पहले यहां तारे बिल था और प्रोफेसर जुबेर बात जुबेर अख्तर बिल्ला मौलवी मीर हसन का जानशीन है कि वो 100 साल पहले यहां मरे कलम के कवि थे। मौलवी मीर हसन को पेश किया है और मौलवी साहब आप भी पेश करते हैं तौबा की नुमाइंदगी करते हुए जहां को साथ है नुमाइंदगी करते हुए कि ये हमारे लिए एहसास की बात है। मैं असल के उदाहरण कहना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी हैं हमारे लिए खुद अगर आपको खुद खुद नजर आते हैं अगर आपको तराशे हुए नजर आते हैं तो ये साथ बोर्ड पर साबिक चीफ सेक्रेटरी हमारे रहे हैं मसूद साहब उनका नाम भी था जिन्होंने टॉप किया वो बोर्ड के हाथ में होना चाहिए। असल में वो तालेबिंदों के एजाज की बात नहीं है वो भी उस साथ साथ को खराज तस्वीर पेश करने की बात है। इनके फैज नजर से ये बच्चे यूनिवर्सिटी में और बोर्ड में दिखावा इसलिए जमा हुए हैं और मेरे भाई ने जो सारे मेहनत की है उनकी तस्वीर ये भी अभी पेश करेगा तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आपको इकबाल के करीब आने के लिए तकरीब का एहतमाम किया है इसलिए इकबाल को पूरी दुनिया जानती है लेकिन इकबाल को जो इस वक्त मरे खालिद से है ठीक है उस वक्त शास मिशन का नाम था मरे का जब इसका नाम नहीं था
लेकिन 20 साल कृषि कार्य अब बड़े कार्य में लग गया है और आज खुशी की बात है कि यहाँ तकनीक करने वाला हर शख्स मरे कार्य का कार्य है, चाहे वो मिश्र है, चाहे वो अनिश्वर आई है। और अगर 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 नदीम सर्व साहब यहाँ के कार्य नहीं है तो मैं प्रिंसिपल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो भी उन्हें इजाजी तारे एग्रो मोलिकुलर फाइनल का एग्जाम पास किया।
थिंकर्स फोरम का उन्होंने आज बड़े ही